और ये हो गया मोबिल का, तो दोनों बताएंगे तीनों। देखिए बिंदु दिया है मार्का, इसमें दो मार्का दिया है टी, ए हो गया आपका एथी का पिकअप कॉल का, और ये हो गया टॉप इंजन का। तो हेलो फ्रेंड, चलिए बदलने वाले हैं BS6 में टाइमिंग चेन, और दिखाने वाले हैं किस प्रकार से आप टाइमिंग चेन BS6 का सेटिंग कर सकते हैं। बहुत वीडियो देखे होंगे लेकिन टाइमिंग चेन किस तरह प्रकार सेटिंग हो ये कोई नहीं बताएगा। एक्चुअली में जो टाइमिंग चेन सेटिंग होता है वो अलग प्रकार का BS6 का होता है, क्योंकि पहले जो BS6 थी उसमें पट इंजन था, अभी जो BS6 आ रही इसमें खड़ा इंजन था, खड़ा इंजन है। तो खड़ा इंजन में टाइमिंग कुछ और प्रकार से मिलता है और पट इंजन में कुछ और प्रकार से मिलता है। इसमें हम आपको सेट करके दिखाएंगे टाइमिंग चेन किस प्रकार से जो इसमें सेटिंग होता है और उसको कैसे फिट किया जाए, आखिर ताकि वो ए टाइमिंग चेन अगर सेट करना सीख लिए तो किसी भी बाइक का आप टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप से। ए टाइमिंग चेन अगर आप एडजस्ट करना सीख लिए तो किसी भी बाइक का एडजस्ट टाइमिंग चेन आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें फिट करके दिखाते हैं कैसे आपको फिट करना है और कैसे इसको। अभी तक इतना टाइमिंग चेन आया लेकिन इससे सस्ता कोई भी टाइमिंग चेन है BS6 बाइक, देखिए इसका मात्र 115 रुपये दाम है। अगर आप स्प्लेंडर का टाइमिंग चेन खरीदने जाएंगे तो आपको 135 रुपये पड़ता है, लेकिन सुपर में जो दिया है टाइमिंग चेन एकदम सस्ता, एकदम डाउन पेमेंट में इसको दे रहा है 115 रुपये इसका दाम। चलिए अभी हम इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आपको इसमें लगाना है उसको। जितना भी है टप होता है, मैग्नेट टप, टाइपी टप, केम टप, सब आपको टप बताएंगे कैसे आपको टप रखना है। यहाँ पर हम टाइमिंग चेन लगाएंगे इसका, तो यहाँ पे फंसा लेंगे हम थोड़ा, इसको बाहर निकालना पड़ता है। चलिए यहाँ पे अभी लग गया है, अब इसका लगाएंगे। अब इसका चेन जो पैड रहता है यहाँ पे इसको टाइट करता है, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, इस साइड में भी लगता है, ये वाला इसका चेन पैड हम लगाएंगे इसको ऐसे। देखिए अभी लग गया है, अब इसका यहाँ पे पत्ती रहता है उसको भी लगा लेंगे, जो वाला है पत्ती इसका यहाँ पे लग जाएगा। देखिए इसमें तीन मार्का दिया है, पहला मार्का है हमारा टब का, दूसरा मार्का है इंजन का जो साइज रहता है उसका, और तीसरा मार्का जो इसका मोबिल पंप का रहता है वो उसका। देखिए तो ये हो गया टब का, और ये हो गया इंजन साइज का, और ये हो गया मोबिल का। तो दोनों बताएंगे तीनों आपको कैसे इसको एडजस्ट रखना है ताकि टाइमिंग चेन इसका बार बार ना खराब हो। चलो तो देखिए अभी यहाँ पर मैग्नेट टप है, यहाँ पर मैग्नेट जो है इसका चाबी यहाँ पर टप रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोर दिया है छोटा सा, यहाँ पर टप रहेगा, और ये वाला जो केम है इसका देखिए यहाँ पे एक टप रहेगा, एकदम ये खड़ा रहेगा यहाँ पे, इसको एकदम खड़ा रखना है और उसके बाद इसको लगाना है। देखिए ये वाला जो इसका इंजन साइज प्लेट में दिया है ये वाला एकदम सीधा रहना चाहिए इस साइड, और इस साइड एकदम ये सीधा रहेगा, और इसका जो टप है यहाँ पे रहना चाहिए, इस वाला बोल्ट जो दिख रहा है आपको ऊपर वाला बोल्ट, इस पर यहाँ पर रहना चाहिए इसका टॉप। ए वाला जो गोल बिंदु दिया है मार्का ये यहाँ पर रहेगा, और ए वाला जो दिया है कोर यानी इंजन का साइज, इंजन इसका तिरछा है उतने प्रकार से इसको यहाँ पर दिया है कि इतना इसका इंजन डाउन है, इतना खड़ा रहता है लेकिन इतना इसको इसका इंजन जो है आगे पर डाउन है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिंदु दिया है। तो यहाँ पर भी ये देख लेना है आपको, यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर देख लेना है, और उसके बाद से यहाँ जो नीचे इसका मैग्नेट लगता है, यहाँ पर जो इसका मैग्नेट लगता है ए वाला आपको टॉप देख लेना है कि यहाँ पर एक टॉप है कि नहीं। उसके बाद से यहाँ पे इसका टाइमिंग चेन टाइट होता है, यहाँ पे इसका टाइट कर देना है। देखिए अभी टाइट हो गया, चलिए इसको कसते हैं और आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं इसका साउंड। अब उससे पहले आपको मिलाएंगे बताएंगे टाइपिंग इसका किस तरह एडजस्ट करना है अगर आप टाइमिंग चेन उसमें बदल रहे हैं तो। चलिए अभी इसका मिनट कस लेते हैं, देखिए इसका टप कहाँ देता है, यहाँ पे जो इसका बिंदु दिया है मार्का, देखिए बिंदु दिया है मार्का, इसमें दो मार्का दिया है टी, ए हो गया आपका एथी का पिकअप कॉल का, और ये हो गया टप इंजन का। तो इतना पे रखना है इसको टप, और उसके बाद से इसका टाइपिट मिलाना चाहिए, देखा था टाइपिट कैसे मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर ढक दिखाएगा, देखिए यहाँ पर ढक दिखा रहा है,
इसको मिलाना है ऐसे, आपको यहाँ पे इसका नट खोल लेना है, और इसके बाद से अगर ढीला होता है आप हाथ से भी कस सकते हैं इसको, लेकिन इसमें पुलर से भी कसा जाता है। यहाँ पे पुलर लगाना है और देखना है आपको कितना टट जा रहा है। उसके बाद से थोड़ा सा डाउन कर देना है और इसको यहाँ पे टाइट करके इसको चेक कर लेना है। चलिए इसको हम टाइट करते हैं और इसमें हम ये चेक करेंगे जो इसका साइड पहले है ना, देखिए ये वाला साइड पहले इसमें रहना चाहिए, ये वाला साइड पहले नहीं रहेगा तो गाड़ी स्टार्टिंग में लग रही प्रॉब्लम करने। ये वाला इसमें जो साइड पहले यहाँ पर दिखा रहा है ये हिल रहा है, ऐसे हिलना चाहिए। चलिए इस साइड को बताते हैं, इस साइड का भी हम खोल लेंगे और ये भी टाइट कर लेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा जाएगा, और इसके बाद से इसको टाइट कर देते हैं। देखिए और चेक करेंगे इसमें ढक नहीं है, अभी इसमें और है, थोड़ा सा और टाइट हो गए तो इसको थोड़ा हम और टाइट कर लेंगे। देखिए अभी इसमें खाड़ा पल नहीं है, इसमें ये वाला जो साइड पल दिखा रहा है ये वाला साइड पल रहना चाहिए, तभी ये टाइमिंग पूरा फिट हो गया। चलिए इसका टापा कस लेते हैं और